मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 11 के लिए फिजिक्स सीरीज का पार्ट 51 लेके आई हूँ। आज हम बताएंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। बच्चों, विस्थापन के दौरान अगर बल का मान चेंज हो रहा है तो देखिए ग्राफ है, जैसे कि मान लीजिए फोर्स है, इधर विस्थापन है, एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन है, एक्स एफ फाइनल पोजीशन है, विस्थापन एक्स आई से एक्स एफ हो रहा है और इस दौरान फोर्स का मान इस तरह से वेरी कर रहा है। तो अब वर्क डन निकालना है तो ये एरिया होगा बच्चों, तो इसको हम इंटीग्रेशन से निकालेंगे। इंटीग्रेशन साइन है, ये आपका इंटीग्रेशन साइन है। एक्स लिमिट लगाएंगे एक्स आई टू एक्स एफ, आई जो है सफिक्स से गुणा नहीं है, एफ एक्स यानी फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अब आइए कुछ उदाहरण हम आपको करा रहे हैं वर्क डन से रिलेटेड। उदाहरण एक है, एक पिन जिस पर 150 न्यूटन का बल लगा है, बल से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 15 मीटर विस्थापित होता है, बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो एफ डब्ल्यू बराबर एफ डी कॉस थीटा। एफ क्या है 150 है, डी क्या है 15 और थीटा क्या है 60 डिग्री, कॉस 60। तो ये हो गया कॉस 60 बराबर हाफ, तो ये आ गया 1125 जूल। नेक्स्ट है, एक कण पर आरोपित बल एफ बराबर 3i प्लस 4j माइनस 5k न्यूटन, कण में विस्थापन s बराबर एस आई प्लस 5i प्लस 4j प्लस 3k मीटर उत्पन्न करता है, ज्ञात कीजिए बल द्वारा किया गया कार्य, बल एफ तथा एस के बीच कोण। वर्क डन बराबर एफ डॉट एस, ये आप पढ़ चुके हो, एफ का मान रख दिया, एस का मान रख दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया। तो देखिए ये आपका 3 × 5 प्लस 4 × 4 माइनस 5 × 3, ये सब आप पढ़ चुके हो, ये आपका 16 जूल आ गया। अब बल एफ तथा एस के बीच का कोण, तो कॉस थीटा बराबर डब्ल्यू अपॉन एफ इंटू एस। एफ का मैग्नीट्यूड इंटू एस का मैग्नीट्यूड है ये, तो ये आ गया आपका 16 अपॉन स्क्वायर रूट 50 इंटू स्क्वायर रूट 50 हो गया 16 अपॉन 50। तो कॉस थीटा बराबर क्या है 8 अपॉन 25, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 8 अपॉन 25। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।